माघ स्नान विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज कलयुग में मनुष्यों को स्नान करने में शिथिलता रहती है, फिर भी माघ स्नान का विशेष फल होने से इसकी विधि का वर्णन कर रहा हूं। जिसके हाथ पांव वाणी मन अच्छी तरह संयत है और जो विद्या तप तथा कीर्ति में समन्वित है, उन्हें ही तीर्थ स्नान दान आदि पुण्य कर्मों का शास्त्रों में निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है। परंतु श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशय आत्मा और हेतुवादी कुतार्किक, इन पांच व्यक्तियों को शास्त्रोक्त तीर्थ स्नान आदि का फल नहीं मिलता। प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में अथवा चाहे जिस स्थान पर माघ स्नान करना हो तो प्रातः काल ही स्नान करना चाहिए। माघ मास में प्रातः सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने से सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्रजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातः काल स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उष्ण जल से स्नान, बिना ज्ञान के मंत्र का जप, क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध और सायंकाल के समय भोजन व्यर्थ है। वायव्य, वारुण, बाह्य और दिव्य, ये चार प्रकार के स्नान होते हैं। गायों के रज से वायव्य स्नान, मंत्रों से ब्रह्म स्नान, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि के जल से वारुण स्नान तथा वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। इसमें वारुण स्नान विशिष्ट स्नान है। ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यासी और बालक, तरुण, वृद्ध, स्त्री तथा नपुंसक सभी माघ मास में तीर्थों में स्नान करने से उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्र पूर्वक स्नान करें और स्त्री तथा शूद्रों को मंत्रहीन स्नान करना चाहिए। माघ मास में जल का यह कहना है कि जो सूर्योदय होते ही मुझमें स्नान करता है उसके ब्रह्म हत्या, सुरापान आदि बड़े से बड़े पाप भी हम तत्काल धोकर उसे सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र कर डालते हैं। माघ स्नान के व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह सन्यासी की भांति संयम नियम से रहे, दुष्टों का साथ नहीं करे। इस प्रकार के नियमों का दृढ़ता से पालन करने से सूर्य चंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पौष फागुन के मध्य मकर के सूर्य में 30 दिन प्रातः माघ स्नान करना चाहिए। ये 30 दिन विशेष पुण्यप्रद हैं। माघ के प्रथम दिन ही संकल्प पूर्वक माघ स्नान का नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान करने जाते समय व्रती को बिना वस्त्र ओढ़े जाने से जो कष्ट सहन करना पड़ता है उससे उसे यात्रा में पग पग अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाकर स्नान करके मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करें। जल से बाहर निकलकर इष्ट देव को प्रणाम करके शंख चक्र गदाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री माधव का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन हवन करें, एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें और भूमि पर शयन करें। असमर्थ होने पर जितना नियम का पालन हो सके उतना ही करें, परंतु प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। तिल का उबटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों से पितृ तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तीर्थ में शीत के निवारण के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, तेल और आंवले का दान करना चाहिए। इस प्रकार एक माह तक स्नान करके अंत में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मण का पूजन करें और कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, रत्न तथा अनेक प्रकार के पहनने वाले कपड़े, रजाई, जूता तथा जो भी
शीत निवारक वस्त्र हैं, उनका दान कर माधव प्रियताम, ये वाक्य कहना चाहिए। इस प्रकार माघ मास में स्नान करने वाले के अगम्यागमन, स्वर्ण की चोरी आदि गुप्त तथा अथवा प्रकट जितने भी पातक हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नाई पिता पिता में, परपिता में तथा माता माता में, वृद्ध माता में आदि 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार करके और सभी आनंदों को प्राप्त करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब स्नान और तर्पण की विधि में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है और ना भाव की ही शुद्धि होती। अतः शरीर की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान करने का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो उत्तम है। मंत्रविता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ये मूल मंत्र है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर चार हाथ का चुकोर मंडल बनाकर उसमें मंत्रों द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें कि हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे द्वारा किए गए समस्त पापों से मेरा त्राण करो। स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसे वायु देवता ने गिनकर कहा है, माता जानवी वे सब के सब तीर्थ तुम्हारे जल में स्थित हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके अतिरिक्त क्षमा, पृथ्वी, आकाश गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, शेम्या, जाहमनी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि भी तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहां स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होते हैं वहां त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लें। 3 बार 5 या 7 बार उसे अपने मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृत्तिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगावें और इस प्रकार से मंत्र पढ़े, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते विसुंदरे मृतके हर में सर्वम यन्मया दुष्कृतम कृतम उद्धृतासी वराहेन कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानाम सुधारनी सुव्रते। अर्थात वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं उन सब को दूर कर दो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वरा का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों के समस्त प्राणियों में प्राण संचार करने वाली हो। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृतिका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण करके त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता यक्ष नाग गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं क्रूर सर्प गरुड़ पक्षी वृक्ष जंबक आदि असुर विद्याधर मेघ आकाशचारी जीव निराधार जीव पापी जीव तथा धर्मप्राण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूं, ये कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत माए कंधे पर रखें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मनुष्य ऋषियों और ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक सनंदन सनातन कपिल
आसुरी, वडू और पंचिक, ये सभी मेरे लिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगरा प्लस पुलय, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर रखकर बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, बहिर्षद, हविष्यमान तथा उष्पप, सुकाली, भौम, सोमप तथा आज्यप संज्ञक पितरों का तिल और वंदन युक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पितृ भाव से परलोकवासी पिता, पिता में आदि तथा माता मह आदि का नाम गोत्र उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें कि जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनावें। फिर यतन पूर्वक सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत पुष्प पर रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दें। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है, नमस्ते विश्व रूपाय, नमस्ते विष्णु सखाय वे, शस्त्र रश्मि नित्यम, नमस्ते सर्व तेजसे, नमस्ते सर्व पुषे, नमस्ते सर्व शक्ते, जगत स्वामी नमस्तुते, दिव्य वंदन भूषित पदम नाभ नमस्तुते, कुंडल अंग धारने, नमस्ते सर्व लोकेश, सर्व सुर नमस्कृता, सुकृतम दुष्कृतम चैव सम्यजांसि सर्वदा, सत्यम नमस्तुते, सर्वदेव नमस्तुते, दिवाकर नमस्तुते, प्रभाकर नमस्तुते। अर्थात हे भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और भगवान विष्णु के सखा हैं, इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से शोभित और सबके तेज रूप हैं, आपको सदा नमस्कार है। सर्वशक्तिमान भगवान, सर रूपधारी आप परमेश्वर को बार बार नमस्कार है। दिव्य चंदन से भूषित और संसार के स्वामी भगवान, आपको नमस्कार है। कुंडल अंगदारी आभूषण धारण करने वाले पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवान आप संपूर्ण लोकों के ईश और सभी देवों के द्वारा वंदित हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सब पाप पुण्य को भली भांति जानते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है, सर्वदेव आपको नमस्कार है, दिवाकर आपको नमस्कार है, प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके तीन बार प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर जाए और वहां भगवान जी की प्रतिमा का पूजन करें। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब आप सभी दोषों को शांत करने वाले रुद्र स्नान का विधान का वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज इस संबंध में महर्षि अगस्त के पूछने पर देव सेनापति भगवान स्कंद ने जो बताया था उसे आप सुने। जो मृत वत्सा, जिसके लड़के अल्पावस्था में मर जाते हों, बंध्या, दुर्भगा, संतानहीन या केवल कन्या जनती हो, उस स्त्री को चाहिए कि वह रुद्र स्नान करे। अष्टमी, चतुर्दशी अथवा रविवार के दिन नदी के तट पर या महानदियों के संगम में, शिवालय में, गोष्ठ में अथवा अपने घर में सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा स्नान विधि का परिज्ञान का
परिज्ञान कर स्नान करें। वह गोबर द्वारा उपलिप्त स्थान में एक उत्तम मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल बनावे। उसके मध्य में कर्णिका को ऊपर भगवान महादेव की, उसके वाम तथा दक्षिण भाग में क्रमशः पार्वती और विनायक की, और कमल के अष्ट दलों में इंद्रादि दिक्पालों की स्थापना करें। तदंतर गंध आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। मंडप के चारों कोनों में कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में भूत बलि भी दे। मंडप के अग्नि कोण में कुंड बनाकर नमक सर्प घी और मधु से मां नमस्तो के तन्ने इत्यादि वैदिक मंत्र से हवन करें। आचार्य ब्रह्मा एवं ऋत्विगो के साथ जापक का भी वर्णन करें। एकादश रुद्र पाठ भी कराए। इस प्रकार दूसरे मंडप का निर्माण करके उस व्रत करती स्त्री को मंडप में बिठाकर रुद्र पूजक आचार्य उसे स्नान करावे। अर्क पत्र के दोनों में जल लेकर रुद्र का दशनी का पाठ करे। उसे अभिमंत्रित जल से स्त्री का अभिषेक करे। अनंतर सप्तमृत का मिश्रित जल, रुद्र कलश के जल और इंद्रादि दिक्पालों के पूजित कलशों के अभिमंत्रित जल से उसे स्नान कराए। इस प्रकार रुद्र स्नान विधि पूर्ण हो जाने पर सर्वमयी धेनु, प्रत्यक्ष धेनु तथा अन्य सामग्री आचार्य को दान करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। जो स्त्री इस विधि से स्नान करती है वह सौभाग्य सुख प्राप्त करती है और पुत्रवती होती है। उसके शरीर में रहने वाले सभी दोष ब्राह्मणों की आज्ञा से रुद्र स्नान करने से दूर हो जाते हैं। पुत्र लक्ष्मी तथा सुख की इच्छा करने वाली नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे वह जीवित वसा हो जाती है। युधिष्ठर ने कहा, द्रव्य और मंत्रों की विविधियों के ज्ञाता भगवान सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण के अवसर पर स्नान की जो विधि है मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का लगना होता है उसके लिए मंत्र और औषध सहित स्नान का जो विधान है उसे मैं बतला रहा हूँ। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर चार ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर गंध माल्य आदि से उनकी पूजा करे। ग्रहण के पूर्व ही औषध आदि को एकत्र कर ले। फिर छिद्र रहित चार कलशों की उनमें समुद्र की भावना करके स्थापना करे। फिर उनमें सप्तमृतिका, हाथीसार, गुड़साल, बलमीक, नदी के संगम, सरोवर, गौशाला और राजद्वार के मिट्टी लाकर डाल दे। तत्पश्चात उन कलशों में पंचगव्य, मोती, गोरोचना, कमल, शंख, पंचरत्न, स्फटिक, श्वेत चंदन, तीर्थ जल, सरसों, राजदंत, ये एक औषधि विशेष होती है, कुमुद, खस, गुग्गल, ये सब डालकर उन कलशों पर देवताओं का आवाहन इस प्रकार करें। सभी समुद्र, नदियां, नद और जल पर तीर्थ यजमान के पापों को नष्ट करने के लिए यहां पधारें। इसके बाद प्रार्थना करें, जो देवताओं के स्वामी माने गए हैं तथा जिनके 1000 नेत्र हैं, वे वज्रधारी इंद्रदेव मेरी ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। जो समस्त देवताओं के मुख स्वरूप 7 जिहाओं से युक्त और अतुल कांति वाले हैं, वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करें। जो समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं तथा महिष जिनका वाहन है, वे धर्म स्वरूप यम चंद्र ग्रहण से उद्भूत हुई मेरी पीड़ा को मिटाएं। जो राक्षस गणों के अधीश्वर साक्षात प्रलय अग्नि के सदृश भयानक खड़गधारी और अत्यंत भयंकर हैं, वे निरति देव मेरी ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। जो नागपाश धारण करने वाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, वे जल अधीश्वर साक्षात वरुण देव मेरे चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करें। जो प्राण रूप से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, तीव्रगामी कृष्ण मृग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायुदेव मेरी चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई पीड़ा का विनाश करें। जो निधियों के स्वामी
तथा खड़ग त्रिशूल और गदा धारण करने वाले हैं। वे कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पाप को नष्ट करें। जिनका ललाट चंद्रमा से शोभित है, वृषभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष या त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, वे देवादि देव शंकर मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पीड़ा का विनाश करें। ब्रह्मा विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोकी में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी मेरे चंद्र जन्य पाप को भस्म कर दें। इस प्रकार देवताओं को आमंत्रित कर व्रति ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि के साथ साथ उन उपकरण युक्त कलशों के जल से स्वयं अभिषेक करें। फिर श्वेत पुष्पों की माला, चंदन, वस्त्र और गौदान द्वारा उन ब्राह्मणों को तथा इष्ट देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात वे द्विजवर उन्हीं मंत्रों को वस्त्र पट अथवा कमल दल पर अंकित करें। फिर द्रव्य युक्त उन कलशों को यजमान के सिर पर रखते। उस समय यजमान पूर्व की ओर मुख कर अपने इष्ट देव की पूजा कर उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की वेला को व्यतीत करें। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य कर गौदान करें और उस मंत्र द्वारा अंकित पट को स्नान आदि से शुद्ध हुए ब्राह्मण को दान कर दें। जो मानव इस उपयुक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है, उसे ना तो ग्रहण जन्य पीड़ा होती है और ना उसके बंधुजनों का विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनरागमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पदम राग मधि और निशापति चंद्रमा के निमित्त एक सुंदर कपिला गौ का दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि को नित्य सुनता है अथवा दूसरे को श्रवण कराता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मरणासन मृत्यु के पूर्व प्राणी के कर्तव्य तथा ध्यान के चतुर्विध भेद में राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान ग्रस्त व्यक्ति को अपने अंत समय में क्या करना चाहिए, कृपा करके इस विधि को आप बताइए, मुझे ये सुनने की बहुत अभिलाषा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज जब मनुष्य को यह ज्ञात हो जाए कि उसका अंत समीप आ गया है तो उसे गरुड़ध्वज भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके अनेक प्रकार के पुष्प आदि उपचारों से नारायण की पूजा एवं स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करें। अपनी शक्ति के अनुसार गाय भूमि स्वर्ण वस्त्र आदि का दान करें और बंधु पुत्र मित्र स्त्री क्षेत्र धन धान्य तथा पशु आदि से चित्त को हटाकर ममत्व का परित्याग कर दें। मित्र शत्रु उदासीन अपने और प्राय लोगों के उपकार और अपकार के विषय में विचार नहीं करें, अर्थात शांत हो जाए। प्रयत्न पूर्वक सभी शुभ एवं अशुभ कर्मों का परित्याग करके इन श्लोकों का स्मरण करें। मैंने समस्त भोगों एवं मित्रों का परित्याग कर दिया, भोजन भी छोड़ दिया तथा अनुलेपन माला आभूषण गीत दान आसन हवन आदि क्रियाएं पदार्थ नित्य नैमित्तिक और काम्य सभी क्रियाओं का उत्सर्जन कर दिया है। श्राद्ध धर्मों का भी मैंने परित्याग कर दिया है। आश्रम धर्म और वर्ण धर्म भी मैंने छोड़ दिया है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं स्वयं अपना कार्य कर लूँगा। मुझसे सभी निर्भय रहें, कोई भी पाप कर्म ना करें। आकाश जल पृथ्वी विवर बिल पर्वत पत्थरों के मध्य धान्य आदि फसलों वस्त्र श्यन तथा आसनों आदि में जो कोई प्राणी अवस्थित है वे मुझसे निर्भय होकर सुखी रहे। जगत गुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु नहीं। मेरे नीचे ऊपर दाहिने बाएं मस्तक हृदय बाहुओं नेत्रों तथा कानों में मित्र रूप से भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश भगवान अच्युत को हृदय में धारण करके निरंतर वासुदेव के नाम का कीर्तन करता रहे और जब मृत्यु अति समीप आ जाए तब दक्षिणा अग्र कुशा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर शयन करे तथा जगतपति भगवान विष्णु का इस प्रकार चिंतन करे। भगवान विष्णु
जिष्णु, ऋषिकेश, केशव, मधुसूदन, नारायण, नर, शौरी, वासुदेव, जनार्दन, वरा, यज्ञपुरुष, पुंडरीकाक्ष, अच्युत, वामन, श्रीधर, कृष्ण, नरसिंह, अपराजित, पद्मनाभ, आज, श्रीश, दामोदर, अधोक्षज, सर्वेश्वर, शुद्ध, अनंत, विश्वरूपी, चक्री, गदी, शांत, शंखी, गरुड़ध्वज, किरीट, कौस्तुभधर तथा अव्यय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ, मैं आपका ही हूँ, आप शीघ्र मुझ में निवास करें। वायु एवं आकाश की तरह मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं रहे। मैं नीले कमल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन भगवान विष्णु अथवा शौरी अर्थात भगवान श्री कृष्ण आपको अपने सामने देख रहा हूँ। आप भी मुझे देखें। इन मंत्रों को पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनका दर्शन करें तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। जो व्यक्ति प्रसन्न मुख, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए, केयूर, कटक, कुंडल, श्रीवत्स, पीताम्बर आदि से विभूषित नवीन मेघ के समान श्याम स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राणों का परित्याग करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान अच्युत में लीन हो जाता है। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, अंत समय की जो ये विधि आपने बताई वह स्वस्थित रहने पर ही संभव है, परंतु अंत समय में तरुण और निरोगी पुरुषों की भी चित्तवृत्ति मोहग्रस्त हो जाती है। वृद्ध और रोगियों की तो बात ही क्या है। अति वृद्ध और रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए कुशा के आसन पर ध्यान करना तो असंभव ही है। इसलिए प्रभु, दूसरा भी कोई सुगम उपाय बताने का कष्ट करें जिससे साधन निष्फल नहीं हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यदि और कुछ करना संभव नहीं हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों तरफ से चित्त वृत्ति को हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण का त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण कर प्राण त्यागता है उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः सब प्रकार से निवृत्त होकर निरंतर वासुदेव का चिंतन करना चाहिए। राजन, अब आप भगवान के चिंतन ध्यान के स्वरूपों को सुने जिन्हें महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझसे कहा था। राज्य, उपभोग, शयन, भोजन, वाहन, मणि, स्त्री, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण आदि में यदि अत्यंत मोह करता है तो ये राग जनित आद्य ध्यान है। यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसी के ऊपर प्रहार करने की द्वेषपूर्ण वृत्ति हो और दया ना आए तो इसे ही क्रोध जनित रौद्र ध्यान कहा गया है। वेदार्थ के चिंतन, इंद्रियों के उपशमन, मोक्ष की चिंता, प्राणियों के कल्याण की भावना आदि ही धर्मपूर्ण सात्विक ध्यान है। समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों में निवृत्त हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी की भी चिंता नहीं करना और आत्म स्थिर होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करना, परमात्म निष्ठ हो जाना, ये शुक्ल ध्यान का स्वरूप है। आद्य ध्यान से तिर्यक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। रौद्र ध्यान से नरक प्राप्त होता है। सात्विक ध्यान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और शुक्ल ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कल्याणकारी शुक्ल ध्यान में ही मन चित्त सदा लगा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, विधि पूर्वक वापी, कोप, तड़ाग, बावली, वृक्ष उद्यान तथा देव मंदिर आदि का निर्माण कराने वाला तथा इन कार्यों में सहयोगी कर्मकार, शिल्पी, सूत्रधार आदि सभी पुण्यकर्मा पुरुष अपने इष्ट पूर्त धर्म के प्रभाव से सूर्य एवं चंद्रमा की प्रभा के समान कांतिमान विमान में बैठकर दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। जलाशय आदि की खुदाई के समय जो जीव मर जाते हैं उन्हें भी उत्तम गति प्राप्त होती है। गाय के शरीर में जितने भी रोम कूप हैं उतने दिव्य वर्ष तक तड़ाग आदि का निर्माण करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। यदि उसके पिता दुर्गति को प्राप्त हुए हों तो उनका भी वह उद्धार कर देता है।
पितृगण ये गाथा गाते हैं कि देखो हमारे कुल में एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने जलाशय का निर्माण करके प्रतिष्ठा की, जिस तालाब के जल को पीकर गौएं संतृप्त हो जाती हैं, उस तालाब बनवाने वाले के सात कुलों का उद्धार हो जाता है। तड़ाग वापी देवाले और सघन छाया वाले वृक्ष ये चारों इस संसार में उद्धार करते हैं। जिस प्रकार पुत्र के देखने से माता पिता के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसी प्रकार जलाशय देखने और जल पीने से उनके कर्ता के शुभ शुभ का ज्ञान होता है। इसलिए न्याय से धन का उपार्जन करके तड़ाग आदि बनवाना चाहिए। धूप और गर्मी से व्याकुल पथिक यदि तड़ाग आदि के समीप जल का पान करें और वृक्षों की घनी छाया में ठंडी हवा का सेवन करता हुआ विश्राम करें, तो तड़ाग आदि की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति अपने मातृकुल और पितृकुल का उद्धार करके स्वयं भी सुख प्राप्त करता है। इष्ट पूर्त कर्म करने वाला पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। इस लोक में जो तड़ाग आदि बनवाता है उसी का जन्म सफल है और उसी की माता पुत्रनी कहलाती है। वही अजर है, वही अमर है। जब तक तड़ाग आदि स्थित हैं और उनकी निर्मल कीर्ति का प्रचार प्रसार होता रहता है, तब तक यह व्यक्ति स्वर्गवास का सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हंस आदि पक्षी को कमल और कुवले आदि पुष्पों से युक्त अपने तड़ाग में जल पीता हुआ देखता है और जिसके तालाब में घट, अंजलि, मुख तथा चंचू आदि से अनेक जीव जंतु जल पीते हैं, उसी व्यक्ति का जन्म सफल है। उसकी कहां तक प्रशंसा की जाए जो तड़ाग आदि बनाकर उसके किनारे देवालय बनवाता है तथा उसमें देव प्रतिष्ठा करता है, उसके पुण्य का कहां तक वर्णन किया जाए। देवालय की ईंट जब तक खंड खंड नहीं हो जाए, तब तक देवालय बनाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। कूप ऐसे स्थान पर बनवाना चाहिए जहां बहुत से जीव जल पी सके। कूप का जल स्वादिष्ट हो तो कूप बनवाने वाले के सात कुलों का उद्धार हो जाता है। जिसके बनाए हुए कूप का जल मनुष्य पीते हैं, वे सभी प्रकार का पुण्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुष्य सभी प्राणियों का उपकार करता है। तड़ाग बनवाकर उसके तट पर वृक्षों के बीच उत्तम देवालय बनवाने से उस व्यक्ति की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त रहती है और बहुत समय तक दिव्य भोग भोग कर वह चक्रवर्ती राजा पद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वापी, कूप, तड़ाग, धर्मशाला आदि बनवाकर अन्न का दान करता है और जिसका वचन अति मधुर है, उसका नाम यमराज भी नहीं लेते। वे वृक्ष धन्य हैं जो फल, फूल, पत्र, मूल, फलकल, छात, लकड़ी और छाया द्वारा सबका उपकार करते हैं। वस्तुओं के चाहने वाले को वे कभी निराश नहीं करते। धर्म अर्थ से रहित बहुत से पुत्रों से तो मार्ग में लगाया गया एक ही वृक्ष श्रेष्ठ है, जिसकी छाया में पथिक विश्राम करते हैं। सघन छाया वाले श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया, पल्लव और छाल के द्वारा प्राणियों को, पुष्पों के द्वारा देवताओं को और फलों के द्वारा पितरों को प्रसन्न करते हैं। पुत्र तो निश्चित नहीं है कि एक वर्ष पर भी श्राद्ध करेगा या नहीं, परंतु वृक्ष तो प्रतिदिन अपने फल, मूल, पत्र आदि का दान करके वृक्ष लगाने वाले का श्राद्ध करते हैं। वे फल ना तो अग्निहोत्र आदि कर्म करने से और ना ही पुत्र उत्पन्न करने से प्राप्त होता है। जो फल मार्ग में छायादार वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है, छायादार वृक्ष, पुष्प देने वाले वृक्ष, फल देने वाले वृक्ष तथा वृक्ष वाटिका कुलीन स्त्री की भांति अपने पितृकुल तथा पति कुल दोनों कुलों को उसी प्रकार सुख देने वाले होते हैं। जैसे लगाए हुए वृक्ष आदि अपने लगाने वालों तथा रक्षा आदि करने वाले दोनों के कुलों का उद्धार कर देते हैं। जो भी बगीचा आदि लगाता है उसे अवश्य उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति नित्य गायत्री जप का, नित्य दान का और नित्य यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। जो पुरुष एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 10 इमली तथा एक एक कैथ, बिल्व और आमलक तथा 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह कभी नरक का मुनि देखता है। जिसने जलाशय ना बनवाया हो
और एक भी वृक्ष ना लगाया हो, उसने संसार में जन्म लेकर कौन सा कार्य किया? वृक्षों के समान कोई भी परोपकारी नहीं है। वृक्ष धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं तथा फल पुष्प आदि से सबका सत्कार करते हैं। मानवों की शुभ गति पुत्रों के बिना नहीं होती। ये कथन तो उचित ही है, किंतु यदि पुत्र कपुत्र हो जाए तो वह अपने पिता के लिए कलंक स्वरूप तथा नरक का हेतु भी बन जाता है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि विधि पूर्वक वृक्षारोपण करके उसका लालन पोषण करे, जिससे संसार में ना तो कलंक होता है, ना निंद गति ही प्राप्त होती है, बल्कि कीर्ति, यश एवं अंत में शुभ गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भव्य देव मंदिर बनवाकर उसमें देव मूर्तियों की प्रतिमाओं को स्थापित करता है, मंदिर में अनुलेपन, देवताओं का अभिषेक, दीप दान तथा विविध उपचारों द्वारा उनकी अर्चा करता अथवा करवाता है, वह इस संसार में राज्य श्री प्राप्त करके अंत में परम धाम को प्राप्त करता है तथा इस लोक में कीर्ति और यश रूपी शरीर में प्रतिष्ठित रहता है। महाराज दिष्टर ने पूछा, भगवान वह कौन सा व्रत, तप, नियम अथवा दान है जिसके करने से इस लोक में अत्यंत तपोमय शरीर की प्राप्ति होती है, इसे आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज किसी समय पिंगल नाम के एक तपस्वी मथुरा में आकर प्रवास कर रहे थे। उन तपस्वी से देवी जामवती ने भी यही प्रश्न किया था, उस विषय को आप सुने। पिंगल मुनि ने कहा था, देवी संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण व धृति व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषु एकादशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, तिथि शय, सप्तमी तथा अष्टमी, इन पुण्य दिनों में स्नान करके व्रत प्रायण स्त्री अथवा पुरुष को अपने आंगन के मध्य में घृत कुंभ और जलता हुआ दीपक भूमि देव को दान करना चाहिए। इससे प्रदीप एवं ओजस्वी शरीर प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन भूमि के देवता कौन है, मेरी इस संशय को दूर करे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज पूर्व काल में सतयुग के आदि में त्रिशंकु नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता था, पर महर्षि वशिष्ठ ने उसे चांडाल बना दिया। इससे त्रिशंकु बहुत दुखी हुआ और उसने विश्वामित्र से समस्त वृतांत कहा। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। उस सृष्टि में सभी देवताओं के साथ साथ त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया और सिंघाड़ा, नारियल, कोद्रव, कुष्मांड, ऊंट, भेड़ आदि का निर्माण किया और नए सप्तऋषि तथा देवताओं की प्रतिमा का भी निर्माण कर दिया। उस समय इंद्र ने आकर इनकी प्रार्थना की और विश्वामित्र जी से सृष्टि रोकने का अनुरोध किया तथा दीपदान करने की सम्मति दी। जो प्रतिमाएं इन्होंने बनाई थी उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं का वास हुआ और वे ही इस संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक में प्रतिमाओं में मूर्तिमान रूप में स्थित हुए और नैवेद्य आदि को ग्रहण करते हैं तथा अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, वे ही भूमिदेव कहलाते हैं। राजन इसलिए उनके सम्मुख दीप दान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए प्रदत्त दीप की रक्त वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्ण वर्ती कहलाती है। इसी प्रकार शिव के लिए निर्मित श्वेत वस्त्र की वर्तिका ईश्वर वर्ती, विष्णु के लिए निर्मित पीत वस्त्र की वर्तिका भोगवर्ती, गौरी के लिए निर्मित कुसुम रंग के वस्त्र से निर्मित वर्तिका सौभाग्यवर्ती, दुर्गा के लिए लाख के रंग के समान रंग वाली वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्ण वर्तिका कहलाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के लिए प्रदत्त वर्तिका पद्मवर्ती, नागों के लिए प्रदत्त वर्तिका नागवर्ती तथा ग्रहों के लिए प्रदत्त वर्तिका महावर्ती कहलाती है। इन देवताओं के लिए ऐसे ही वर्तिका युक्त दीपक का दान करना चाहिए। पहले देवता का पूजन करने के बाद बड़े पात्र में घी भरकर दीप दान करना चाहिए। इस विधि से जो दीप दान करता है वह सुंदर तेजस्वी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है।
और वहाँ परले पर्यंत निवास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है उसी प्रकार दीप दान करने वाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दीप के शिखा की भांति उसकी भी उदार्व गति होती है। दीप घृत या तेल के जलाने चाहिए, वसा मज्जा आदि तरल द्रव्य युक्त के नहीं। जलते हुए दीप को बुझाना नहीं चाहिए, ना ही उस स्थान से हटाना चाहिए। दीप बुझा देने वाला काणा होता है और दीप को चुराने वाला अंधा होता है। दीप का बुझाना निंदनीय कर्म है। राजन, आप दीपदान के महत्व में एक आख्यान सुने। विदर्भ देश में चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के अनेक पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था ललिता। वह संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न अत्यंत सुंदर थी। राजा चित्ररथ ने धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारुधर्मा के साथ ललिता का विवाह किया। चारुधर्मा की यह प्रधान रानी हुई। वह विष्णु मंदिर में सहस्त्रों प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। विशेष रूप से अश्विनी कार्तिक में बड़े समारोह पूर्वक दीपदान करती थी। वह चुराहों, गलियों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष के पास, गौशाला, पर्वत शिखर, नदी तटों तथा कुओं पर प्रतिदिन दीपदान करती थी। एक बार उसकी पत्नियों ने उनसे पूछा, ललिते तुम दीपदान का फल हमें भी बताओ। तुम्हारी भक्ति देवताओं के पूजन आदि में ना होकर दीपदान में इतनी अधिक क्यों है? ये सुनकर ललिता ने कहा, सखियो तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना ही ईर्ष्या है, इसलिए मैं तुम लोगों से दीपदान का फल कह रही हूँ। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के उद्धार के लिए साक्षात पार्वती जी को मद्र देश में श्रेष्ठ देविका नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया। वह पापों का नाश करने वाली है। उसमें एक बार भी स्नान करने से मनुष्य शिव जी का गण हो जाता है। उस नदी में जहां भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप से स्वयं स्नान किया था, उस स्थान को नरसिंह तीर्थ कहते हैं। नरसिंह तीर्थ में स्नान करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सौवीर नाम के एक राजा थे जिनके पुरोहित थे मैत्रेय। राजा ने देविका के तट पर एक विष्णु मंदिर बनवाया। उस मंदिर में मैत्रेय जी प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन और दीप दान किया करते थे। वे एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीप दान का बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। रात्रि के समय सभी लोगों को नींद आ गई। उस मंदिर में अपने पूर्व जन्म में मुष्का रूप से रहने वाली मुझे दीपक की घृतवर्ती की को खाने की इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने भयभीत होकर दीपक की बत्ती छोड़ दी और छिप गई। वह दीपक बुझने नहीं पाया। मंदिर में पूर्वत प्रकाश हो गया। कुछ काल बाद मेरी मृत्यु हो गई। पुणे में विदर्भ देश में चित्ररथ राजा की राजकन्या हुई और काशीराज चारुधर्मा की मैं पटरानी हुई। सखियो, कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में दीप दान ऐसा सुंदर फल होता है। क्योंकि मैं मुष्का थी, मेरा दीप दान का कोई संकल्प नहीं था, फिर भी मुझसे अनायास जो मंदिर में भयवश दीप प्रज्वलित हुआ अथवा मैं दीप को नष्ट नहीं कर सकी, उस समय बिना परिज्ञान के मुझसे जो दीप दान का पुण्य कर्म हुआ था, उसी पुण्य कर्म के फल स्वरूप आज मैं श्रेष्ठ महारानी के पद पर स्थित हूँ और मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। इसी कारण मैं आज भी निरंतर दीप दान करती रहती हूँ। मैं दीप दान के फल को भली भांति जानती हूँ, इसलिए नित्य देवालय में दीप जलाती हूँ। ललिता का ये वचन सुनकर सभी सहेलियाँ भी दीप दान करने लगी और बहुत समय तक राज्य सुख भोगकर सभी अपने पति के साथ विष्णु लोक को चली गई। इस प्रकार जो भी पुरुष अथवा स्त्री दीप दान करते हैं, वे उत्तम तेज प्राप्त करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज कार्तिक और माघ की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा तथा तृतीया और वैशाख की पूर्णिमा एवं द्वादशी में शुभ लक्षणों से संपन्न वृषभ को चार गुओं के साथ छोड़ने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस वृष उत्सर्ग की विधि की
गर्गाचार्य ने मुझसे इस प्रकार बतलाया है, सबसे पहले षोडश मातृका का पूजन करके मात्र श्राद्ध तथा फिर आभ्युदिक श्राद्ध करना चाहिए, फिर एक कलश स्थापित कर उस पर रुद्र का पूजन करके घृत से हवन करना चाहिए, उस सर्वांग सुंदर तरुण बछड़े के वाम भाग में त्रिशूल और दक्षिण भाग में चक्र युक्त चिन्ह अंकित करके कुमकुम आदि से अनुलिप्त करें, गले में पुष्प की माला पहना दें, अनंतर चार तरुण बछियाओं को भी भूषित करके उनके कान में कहें कि आपके पति स्वरूप इस पुष्ट एवं सुंदर वृक्ष को मैं विसर्जित कर रहा हूं, आप इसके साथ स्वच्छंदता पूर्वक प्रसन्न होकर विहार करें। पुनः उनको वस्त्र से आच्छादित करके एवं स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट करके देवालय, गोष्ठ अथवा नदी संगम आदि स्थानों में छोड़ना चाहिए। वे पुरुष धन्य हैं जो स्वेच्छाचारी ग्रस्ते हुए कुकुधान तथा अहंकार से पूर्ण वृक्ष छोड़ते हैं। इस विधि से जो वृक्ष उत्सर्ग करता है उसके 10 पुष्ट पहले के और 10 पुष्ट आगे के भी पुरुष सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि वृक्ष नदी के जल में प्रवेश करता है और उसके सींग से या पूछ से जो जल उछलता है, उस तर्पण रूप जल से वृक्ष उत्सर्ग करने वाले व्यक्ति के पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हो जाती है। अपने सींग से या खुरों से यदि वह मिट्टी खोदता है तो वृक्ष उत्सर्ग करने वाले के पितरों के लिए वह खोदी भूमि जल भर जाने पर मधुकुल्या बन जाती है। 4000 हाथ लंबे चौड़े त्राग बनाने से पितरों को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तृप्ति एक वृक्ष छोड़ने से होती है। मधु और तिल को एक साथ मिलाकर पिंडदान करने से पितरों को जो तृप्ति नहीं होती वह तृप्ति एक वृक्ष उत्सर्ग करने से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए वृक्ष छोड़ता है वह स्वयं भी स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। महाराज धृष्टर ने पूछा, भगवान फागुन की पूर्णिमा को ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है और गांवों एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है? क्या कारण है कि बालक उस दिन घर घर अनाप शनाप शोर मचाते हैं? अडाडा किसे कहते हैं, उसे शीतोष्णा क्यों कहा जाता है तथा किस देवता का पूजन किया जाता है? आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, पार सतयुग में रघु नाम के एक शूरवीर प्रियवादी सर्वगुण संपन्न दानी राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र की भांति प्रजा का लालन पालन किया। उनके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ और ना किसी की अकाल मृत्यु हुई। अधर्म में किसी की रुचि नहीं थी, पर एक दिन नगर के लोग राजद्वार पर सहसा एकत्र होकर त्राही त्राही पुकारने लगे। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से कारण पूछा। उन लोगों ने कहा कि महाराज, ढूंढा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है और उस पर किसी तंत्र मंत्र औषधि आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता, उसका किसी भी प्रकार निवारण नहीं हो पा रहा है। नगरवासियों का ये वचन सुनकर विस्मित राजा ने राज्य पुरोहित महर्षि विशिष्ट मुनि से उस राक्षसी के विषय में पूछा। तब उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नाम का एक दैत्य है, उसी की एक पुत्री है जिसका नाम है ढूंढा। उसने बहुत समय तक उग्र तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर ढूंढा ने यह वरदान मांगा कि प्रभु, देवता दैत्य मनुष्य आदि मुझे नहीं मार सके और अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध नहीं हो, साथ ही दिन में रात्रि में शीतकाल में उष्णकाल में तथा वर्षा काल में भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय नहीं हो। इस पर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर यह भी कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा।
इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। वही ढोड़ना नाम की काम रूपनी राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देती है। अडाड़ा मंत्र का उच्चारण करने पर वह ढोंढा शांत हो जाती है, इसलिए उसको अडाड़ा भी कहते हैं। यही उस राक्षसी ढोंढा का चरित्र है। अब मैं उससे पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूं। राजन, आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए और नाचना गाना तथा हंसना चाहिए। बालक लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिक की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक होकर दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनावे। सूखी लकड़ी, उपले, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा करके उस ढेर में रक्षोघ्न मंत्रों से अग्नि जलाकर उसमें हवन करके हंसकर ताली बजानी चाहिए। उस जलते हुए ढेर की तीन बार परिक्रमा करके बच्चे बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें और प्रसन्न रहें। इस प्रकार रक्षा मंत्रों से हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इस प्रकार उत्सव करने को कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी विनष्ट हो गई। उसी दिन से इस लोक में ढोंढा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अडाड़ा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाला वसुरधारा होम इस दिन किया जाता है, इसलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। सब तिथियों का सार एवं परम आनंद देने वाली ये फागुन की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। गोबर से लिपे पुते घर के आंगन में बाउस से खड़ग हस्त बालक बुलाने चाहिए और घर में रक्षित बालकों को काष्ट निर्मित खड़ग से स्पर्श कराना चाहिए। हंसना गाना बजाना नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर बालकों को विसर्जित करना चाहिए। इस विधि से ढोंडा का दोष अवश्य शांत हो जाता है। महाराज दिष्ट ने पूछा, भगवान, दूसरे दिन चैत्र मास में वसंत ऋतु का आगमन होता है, उस दिन क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, होली के दूसरे दिन प्रतिपदा में प्रातः काल उठकर आवश्यक नित्य कर्म से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए और सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की भूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लीप कर उसमें एक चकोर मंडल बनावें और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत करें। उस पर एक पीठ रखें, पीठ पर स्वर्ण सहित पल्लवों से समन्वित कलश स्थापित करें। उसी पीठ पर श्वेत चंदन भी स्थापित करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर दूध, दही, अक्षत, गंध, पुष्प, वसुर धारा आदि से उस श्रीखंड की पूजा करनी चाहिए। फिर आम्र मंजरी सहित उस चंदन का प्राशन करना चाहिए। इससे आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त कामनाएं सफल होती हैं। भोजन के समय पहले दिन का पकवान थोड़ा सा खाकर इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। इस विधि से जो फागुन उत्सव मनाता है उसके सभी मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। आदि व्याधि सभी का विनाश हो जाता है और वह पुत्र पोत्र धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। वह परम पवित्र विजयदायिनी पूर्णिमा सब विघ्नों को दूर करने वाली है। ये सब तिथियों में उत्तम तिथि है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस संसार में बहुत से सुगंधित पुष्प हैं, परंतु उनको छोड़कर दमनक अर्थात दोना नामक पुष्प देवताओं को क्यों चढ़ाया जाता है?
तथा दोला उत्सव और रथ यात्रा उत्सव मनाने की क्या विधि है, इसका वर्णन करने की आप कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मंदराचल पर्वत पर दमनक नाम का एक श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुगंधित वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके दिव्य गंध के प्रभाव से देवांगनाएं भी मुग्ध हो गई और ऋषि मुनि भी जप तप वेद अध्ययन आदि से अलग हो गए। इस प्रकार उनके गंध से सब लोग उन्मत्त हो गए। सभी शुभ कार्यों एवं मंगल कार्यों में विघ्न उपस्थित हो गया। ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे दमनक से बोले, दमनक, मैंने तुम्हें संसार के दोषों के दमन के लिए, शांत करने के लिए उत्पन्न किया है, किंतु तुमने संपूर्ण संसार को उद्वेलित कर दिया है। तुम्हारा ये काम ठीक नहीं है। सज्जनों का कहना है कि अतिशय सर्वत्र वर्ज्य है, इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे लोगों में उद्वेग ना पैदा हो। एक का अपकार करने वाला व्यक्ति अधम कहा जाता है, परंतु जो अनेकों का अपकार करने में प्रवृत्त हो जाए उसके लिए क्या कहा जाए। तुमने तो बहुत से लोगों को दुख दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पुष्प को देव कार्य तथा पितृ कार्य में आज से ग्रहण नहीं करेगा। ब्रह्मा जी का दिए हुए शाप को सुनकर दमनक ने कहा, महाराज, मैंने द्वेषवश अथवा क्रोधवश किसी का अपकार नहीं किया। आपने ही मुझे इतना सुगंध दिया है कि उसके प्रभाव से सभी लोग स्वयं उन्मत्त हो जाते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है। आपने ही मेरा ऐसा स्वभाव बनाया है जिसकी जो प्रकृति होती है उसे वह त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति लोगों में वह असमर्थ होता है। निरअपराध होते हुए भी आपने मुझे शाप दिया है। दमनक की इस तर्क संगत बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दमनक, तुम्हारा कथन सत्य है। मैंने तुम्हें शाप दिया, उसका मुझे हार्दिक दुख है। उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि वसंत ऋतु में तुम सभी देवताओं के मस्तक पर चढ़ोगे। जो व्यक्ति भक्ति भाव से दमनक पुष्प देवताओं पर चढ़ाएगा उसे सदा सुख प्राप्त होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दमनक चतुर्दशी के नाम से विख्यात होगी और उस दिन व्रत नियम के पालन करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और दमनक भी अपनी गंध से त्रिभुवन को वासित करता हुआ शिवजी के निवास स्थान मंदराचल पर रहने लगा। उसी दिन से लोक में दमनक पूजा प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं दोला उत्सव का वर्णन करता हूं। किसी समय नंदनवन में दोला उत्सव हुआ। वसंत ऋतु में देवांगनाएं और देवता मिलकर दोला क्रीड़ा करने लगे। नंदनवन में ये मनोहारी उत्सव देखकर भक्ति पार्थी जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, इस क्रीड़ा को आप देखें, आप मेरे लिए भी एक दोला बनाइए जिस पर मैं आपके साथ बैठकर दोला क्रीड़ा कर सकूं। तो पार्थी जी के ये कहने पर शिव जी ने देवताओं को अपने पास बुलाकर दोला बनाने को कहा। देवताओं ने शिव जी के कथन अनुसार सुंदर उत्तम इष्टपूर्त में दो स्तंभ गाड़कर उस पर सत्य स्वरूप एक लकड़ी का पटरा रखा और वास्की नाक की रस्सी बनाकर उसके फनों पर बैठने के लिए रत्न जड़ित पीठ की रचना की। उस फन के ऊपर अत्यंत मृदुल कपास और रेशमी वस्त्र बिछाकर दोला की शोभा बढ़ाने के लिए मोतियों की गुच्छे और फूल मालाओं से उसे सजा दिया। इस प्रकार देवताओं ने अति उत्तम दोला तैयार कर भगवान शंकर को आदर पूर्वक प्रदान किया। अनंतर भगवान चंद्रभूषण भक्ति पार्थी के साथ दोला पर बैठ गए। भगवान शंकर के पार्षद दोला झुलाने लगे तथा जेआर विद्या दोनों सखियां चवट डुलाने लगी। उस समय पार्थी जी ने बहुत ही मधुर स्वर में गीत गाया,
जिससे शिवजी आनंदमग्न हो गए। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, चारण विविध प्रकार के बाजे बजाने में संलग्न हो गए, परंतु शिवजी के दोला विहार से सभी पर्वत कांपने लगे। समुद्र में हलपल मच गई, प्रचंड पवन चलने लगी, सारा लोक त्रस्त हो गया। इस प्रकार त्रैलोक्य को अति व्याकुल देखकर इंद्रादि सभी देवगणों ने सभी के पापों का नाश करने वाले शिवजी के पास आकर प्रणाम किया और प्रार्थना करके कहने लगे, नाथ अब आप दोला लीला से निवृत्त हो जाइए, क्योंकि त्रैलोक्य को शोभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर शिवजी ने दोला से उतरकर कहा कि आज से वसंत ऋतु में जो व्यक्ति इस दोला उत्सव को करेगा तथा नैवेद्य अर्पित कर तथा देवताओं के मूल मंत्रों से उन्हें दोला पर आरोहण कराएगा और करेगा, आनंद मनाएगा और स्तुति पाठ करेगा, वह सभी अभिष्टों को प्राप्त कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं रथ यात्रा का वर्णन करता हूं। एक बार चैत्र मास में मले पर देवताओं से समावृत भगवान शंकर शांत भाव से विराजमान थे। इसी समय मृत्यु लोक में इधर उधर घूमते हुए देव ऋषि नारद ब्रह्म लोक से भगवान शंकर के पास आए। उन्हें भगवान जी को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। सर्वज्ञ भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद से पूछा, मुनि आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? तो नारद बोले, देव देव मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ कामदेव के मित्र वसंत ऋतु ने सारा संसार अपने वश में कर लिया है। वहाँ मंद मंद सुगंधित मले पवन बहता है। वसंत ऋतु के सहयोगी कोकिल आम्रमंजरी आदि सभी उसके कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नगर नगर और ग्राम ग्राम में वसंत ऋतु ये घोषणा कर रहा है कि इस संसार का ही नहीं अपितु तीनों लोगों का स्वामी एकमात्र कामदेव है। भगवान उसी के शासन में सभी लोग उन्मत्त से हो रहे हैं। चैत्र मास का ये विचित्र प्रभाव देखकर मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। नारद जी का वचन सुनकर भगवान शंकर गंधर्व अप्सरा मुनिगर और सभी देवताओं को साथ लेकर मृत्यु लोक में आए और उन्होंने देखा कि जैसा नारद जी ने कहा था वही स्थिति मृत्यु लोक में व्याप्त है। सब लोग उन्मत्त हो गए हैं, आनंद में मग्न हैं। शिवजी की वसंत की शोभा देख ही रहे थे कि उनके साथ जो देवता आदि आए थे वे भी आनंदित होकर गाने बजाने लगे। वसंत के प्रभाव से देवताओं को भी शुभ देखकर शंकर जी ने यह विचार किया कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसके प्रतिकार का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके निवारण का उपाय नहीं करता वह अवश्य विपत्ति में पड़कर दुख को प्राप्त करता है। अब मुझे इन सब की उन्माद से रक्षा करनी चाहिए और स्वामी भक्त वसंत ऋतु का भी सम्मान रखना चाहिए। ये विचार करके शिवजी ने वसंत ऋतु को अपने पास बुलाकर कहा कि वसंत तुम केवल चैत्र मास में अपना प्रभाव प्रकट करो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सभी जीवों को और विशेष रूप से देवताओं को सुख देने वाले हो जाओ। अनंतर देवताओं को स्वस्थ चित किया और ये भी कहा कि जो व्यक्ति वसंत ऋतु में रथ यात्रा उत्सव करेगा वह इस संसार में दिव्य भोगों को भोगने वाला तथा निरोग होगा। इतना कहकर शिवजी सभी देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वसंत ऋतु भी शिवजी के आज्ञा अनुसार वन में विहार करते हुए अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से लोक में रथ यात्रा उत्सव का प्रचार प्रसार हुआ। जो देवताओं की रथ यात्रा करता है उसके धन पशु पुत्र आदि की वृद्धि होती है और अंत में वह सदगति को प्राप्त करता है। राजन अब आप विशेष तिथियों का वर्णन सुने। तृतीया को गौरी, चतुर्थी को गणपति, पंचमी को लक्ष्मी अथवा सरस्वती, षष्ठी को स्कंद, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी और चतुर्दशी को शिव, नवमी को चंडिका, दसवीं को वेद व्यास आदि,
शांचित ऋषि महर्षि, एकादशी तथा द्वादशी को भगवान विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव और पूर्णिमा को सभी देवताओं का अर्चन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं की निर्दिष्ट तिथियों में ही दमनक उत्सव, दोला उत्सव और रथ यात्रा आदि उत्सव करने चाहिए। इस प्रकार वसंत ऋतु में उत्सव मनाने वाला व्यक्ति बहुत काल तक स्वर्ग का सुख भोगकर पुनः चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, जब भगवान शंकर ने अपने नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर डाला, उस समय कामदेव की पत्नियां रति और प्रीति दोनों रो रो कर विलाप करने लगी। इस पर पार्थिव जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और वह शिव जी से प्रार्थना करने लगी, महाराज आप कृपा करके इस कामदेव को जीवन दान दें और शरीर प्रदान कर दें। ये सुनकर प्रसन्न हो शिवजी ने कहा, पार्थिव, यद्यपि अब यह मूर्तिमान रूप से जीवित नहीं हो सकता, परंतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रतिवर्ष एक बार ये मन से उत्पन्न होकर जीवित होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो भी कामदेव का पूजन करेगा वे वर्ष भर सुखी रहेगा। इतना कहकर शिवजी कैलाश पर चले गए। राजन, इसकी विधि को सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को स्नान करके एक अशोक वृक्ष बनाकर उसके नीचे रति, प्रीति और वसंत सहित कामदेव की प्रतिमा को सिंदूर और हल्दी से बनाना चाहिए अथवा स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसकी सेवा में विद्याधरियां हाथ जोड़े खड़ी हों, अप्सराएं जिसके चारों तरफ खड़ी हों, गंधर्व नृत्य कर रहे हों। इस प्रकार मध्यान्ह के समय गंध, पुष्प, धूप, अक्षत, तांबूल, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य आदि उपचारों से कामदेव की तथा अपने पति की भी पूजा करें। जो इस प्रकार प्रतिवर्ष काम उत्सव करता है वे सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य, लक्ष्मी आदि को प्राप्त करता है। विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, कामदेव, वसंत और गंधर्व, असुर, राक्षस, सुपर्ण, नाग, पर्वत आदि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसको कभी शोक नहीं होता। जो स्त्री वसंत ऋतु में रति, प्रीति, वसंत, मल्यानिल आदि परिवार सहित कामदेव का भक्ति पूर्वक पूजन करती हैं वे सौभाग्य, रूप, पुत्र और सुख को प्राप्त करती हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास के प्रतिपद तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवती भूत माता का पूजन उत्सव मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के मनोविनोद पूर्ण एवं हास्यपूर्ण गीत, नाटक आदि का आयोजन करना चाहिए। नवमी अथवा एकादशी को दीपक जलाकर अतीव भक्तिपूर्वक भक्ति के समीप ले जाने चाहिए। इस प्रकार पूर्णिमा तक प्रदोष के समय दीप महोत्सव करना चाहिए और द्वादशी के दिन भूत माता का विशेष उत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के उत्सव से भूत माता का पूजन करने वाले व्यक्ति सपरिवार प्रसन्न रहते हैं और उनके घर में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होता। ये भूत माता भगवती पार्वती के अंश से सम उद्भूत है। इस तरह से भविष्य प्राण पूर्ण हुआ।